कॉम्बिनेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन है सर, आई हैव स्टडीड फिजिक्स मैथ्स कंप्यूटर साइंस इन माय ग्रेजुएशन, कुड यू प्लीज टेल वेदर आई एम एलिजिबल फॉर साइंस मैथ कॉम्बिनेशन इन बीएड। ये बात तो सच है कि आपका जो अगर आपको साइंस मैथ मिल जाता है तो बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, लेकिन थोड़ी वेरिएशन है उसको समझा देता हूँ। आपने ये नहीं बताया कि आपने एमएससी की हुई है या नहीं। अगर आपने एमएससी की हुई है तो सीधा ही आप एलिजिबल हो। ये जो प्रॉस्पेक्टस है उसमें दिया गया है फॉर टीचिंग ऑफ साइंस, जिन्होंने एमएससी की हुई है एग्रीकल्चर में, एंथ्रोपोलॉजी में, बायोकेमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, बॉटनी में, केमिस्ट्री में, इकोलॉजी में, एंटोनोलॉजी में, एनवायरमेंटल साइंस में, जेनेटिक्स में, जियोलॉजी में, माइक्रो बायोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी में, न्यूक्लियर फिजिक्स में, और ये फिजिक्स आपका रहा फिजिक्स में, जूलॉजी में, जिन्होंने एमएससी इसमें की हुई है उनको टीचिंग ऑफ साइंस डायरेक्ट मिल सकता है। अगर आपने इनमें से जहाँ जो कैंडिडेट वीडियो देख रहे हैं उन्होंने इनमें से किया हुआ है जो एमएससी की हुई है, देन दे आर एलिजिबल फॉर कॉम्बिनेशन ऑफ साइंस। मैथ तो आप एलिजिबल हो, क्लियर है। दूसरा, इसके रिगार्डिंग सीधा कॉम्बिनेशन आपका बनता है कि नहीं। अगर आपके एमएससी नहीं है तो फिर ये प्रॉस्पेक्टस में से ये मोस्ट रेलेवेंट बीएससी नॉन मेडिकल है, इसमें कंप्यूटर साइंस नहीं लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर कॉम्बिनेशन देखिए कौन से दे रहे हैं, साइंस लैंग्वेज है, फिजिकल साइंस मैथ है, फिजिकल साइंस कंप्यूटर साइंस है, साइंस एंड मैथ, ये हमारी प्रॉब्लम थी। तो ये साइंस एंड मैथ नॉन मेडिकल को दे रहे हैं, इस नॉन मेडिकल में कंप्यूटर शामिल कर रहे हैं या नहीं ये क्लियर नहीं है। मैंने अथॉरिटी से को मैसेज दिया है, जब भी उसकी बात होती है क्लियर होती है तो बता देता हूँ, वैसे उससे पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी है जो मैंने आगे बताना है। फिजिकल साइंस और साइंस भी मिलती है, मैथ लैंग्वेज भी मिलती है, फिजिकल साइंस एंड लैंग्वेज भी है, साइंस एंड कंप्यूटर साइंस भी है, कंप्यूटर एजुकेशन एंड लैंग्वेज भी है। तो यूनिवर्सिटी के प्रॉस्पेक्टस में ये अनक्लियर है कि बीएससी नॉन मेडिकल में कंप्यूटर कहां से आ गया। अगर कंप्यूटर आता है तो ये आपके कॉम्बिनेशन जो आप पूछ रहे हो उससे मैच करता है और आपका साइंस मैथ कॉम्बिनेशन बनता है। लेकिन प्रैक्टिकल, ये थ्योरेटिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल ये बात है कि मैंने जो हमारा प्रिंसिपल्स का ग्रुप है पंजाब का सभी यूनिवर्सिटी का, उसमें आपका मैसेज डाला था, और वो मैसेज क्या आया है कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ वाले प्रिंसिपल्स ने कहा यस, हम ऐसे इस कैंडिडेट को साइंस, ये रहा साइंस और मैथ्स, ये कॉम्बिनेशन देते हैं। ओके, तो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला वाले भी देते हैं। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी वालों का थोड़ा सा शक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, नॉर्मली यहाँ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट बाय कॉलेजेस होती हैं, और जिनसे मैंने पर्सनली बात करके पूछा है तो उन्होंने ये कहा है कि यस, हम इस कॉम्बिनेशन वाले बच्चे को जिसने फिजिक्स मैथ कंप्यूटर पढ़ा है उसको साइंस दे देते हैं। लेकिन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने डायरेक्टली कहीं भी ये क्लियर नहीं किया, उसके लिए अथॉरिटी को मैसेज किया गया है, जब भी इंफॉर्मेशन आती है आपको बता दी जाएगी। मोस्ट प्रोबेबली आपको साइंस मैथ मिल जाएगा इन यूनिवर्सिटी में तो 100% है, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी में 5% का डाउट हो सकता है। इसके अलावा गवर्नमेंट नॉर्म्स भी देख लेने चाहिए कि आपके जो एलिजिबिलिटी फॉर टीचिटी मास्टर कैडर साइंस नॉन मेडिकल की ये बताई गई है, सब्जेक्ट जिन्होंने लेने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स है, यहाँ पर आपने केमिस्ट्री नहीं पढ़ी हुई। लेकिन दूसरी ऑप्शन ये है जो लिखी है, शायद आपको ये पॉजिटिव कुछ दे दे, शुड हैव पास्ड बीएससी इन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो ये फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स आपने पढ़े हैं, एनी अदर इक्वलेंट क्वालिफिकेशन, वो क्वालिफिकेशन वो यूनिवर्सिटी का इक्वलेंसी का सर्टिफिकेट चाहिए जो यूजीसी के अकॉर्डिंगली चाहिए। तो ये जो गवर्नमेंट के पिछली रिक्रूटमेंट हुई है उसमें फिजिक्स मैथ्स को ये दिया गया है, लेकिन 5% चांस हर गवर्नमेंट के रहते हैं कि नहीं से जो पॉलिसी है, ये जो रिक्रूटमेंट का क्राइटेरिया है, ये बदल जाता है, बदल सकता है। तो मेरे हिसाब से अगर आपने 100% श्योर बनना है, आपको बीएड में जैसे मिल जाएगी उसके बाद आपको साइंस का एडिशनल पेपर भी दे देना चाहिए,
क्योंकि आपके बेस्ट कॉम्बिनेशन बनता है, दोनों ही पोस्ट जो हैं हर बार निकलती हैं, मोस्ट कॉमन पोस्ट हैं, जैसे SST है, लैंग्वेजेस है, वैसे साइंस और मैथ्स है। एक और सुजेशन है, इतना अच्छा सुजेशन नहीं है, पर सुजेशन है कि आपको बाद में बीएड करने के बाद आपको कंप्यूटर का पेडागोजी ऑफ कंप्यूटर एडिशनल सब्जेक्ट कर लेना चाहिए, फिर आप कंप्यूटर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। ये डिपेंड करता है कि आपने बाद में मास्टर डिग्री किसकी करनी है। जो दिखाई दे रहा है आप कंप्यूटर की तरफ नहीं जाओगे, अगर जाते हो तो ये आपको हर हालत में करना होगा। अगर मैथ्स की तरफ जाते हो तो मैथ्स तो आप एलिजिबल ही हो। हाँ, साइंस है तो जैसे फिजिक्स आपके पास है तो फिजिकल साइंस आपको पेडागोजी करनी पड़ेगी अगर आप PGT के लिए एलिजिबल होना चाहते हो। मतलब फिजिक्स आपके पास है, फिजिक्स के बेस पर आप पेडागोजी ऑफ फिजिक्स भी पढ़ लिया आपने, मान लीजिए बीएड में एडिशनल पेपर जा कर लिया, साइंस अगर मिल जाती है तो फिर आप PGT फिजिक्स के लिए एलिजिबल होते हो। थैंक यू डॉक्टर तीरथ सिंह, लर्न टू एक्चुलाइज।